Hey guys, सब्सक्राइब कीजिए वैष्णो टेक्स YouTube चैनल का और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं वैष्णो टेक्स YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ कंपैरिजन होंडा एक्टिवा 5G और होंडा एक्टिवा 4G के बीच, और आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं होंडा एक्टिवा 5G में जो आपको होंडा एक्टिवा 4G में नहीं मिले थे। और दोस्तों, आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी अच्छी रहने वाली है। तो दोस्तों, जानने के लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर और भी नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं होंडा एक्टिवा 4G की, तो इसका जो इंजन निकल के आता है वो है 109 cc का। वही अगर हम पावर की बात करें तो 8 BHP का पावर और 7500 का RPM मिल जाता है। अगर हम टार्क की बात करें तो 9 Nm का टार्क जनरेट कर देती है। दोस्तों, अगर जो वेट निकल के आता है वो है 109 kg का वेट निकल के आता है। वही अगर हम होंडा एक्टिवा 4G की माइलेज की बात करते हैं तो 65 km/L के हिसाब से हमें माइलेज मिल जाती है। तो दोस्तों, यही स्पेसिफिकेशन आपको होंडा एक्टिवा 5G में ही देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, स्पेसिफिकेशन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों, होंडा एक्टिवा 5G में कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं जो आपको होंडा एक्टिवा 4G में नहीं देखने को मिले थे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, जो पहला फीचर से निकल के आता है वो है एनालॉग डिजिटल फंक्शन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर हम होंडा एक्टिवा 4G की बात करते हैं तो उसका जो स्पीडोमीटर था वो बिल्कुल सिंपल था, उसमें आपको कोई भी डिजिटल फंक्शन वाला काम नहीं देखने को मिलता था। लेकिन अब होंडा एक्टिवा 5G में आपको डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम मोबाइल चार्जिंग की बात करते हैं तो होंडा एक्टिवा 4G में आपको कोई भी मोबाइल चार्जिंग के लिए सिस्टम नहीं मिला था, लेकिन अब होंडा एक्टिवा 5G में आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए भी सिस्टम मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम हुक को लेकर बात करते हैं तो होंडा एक्टिवा 4G में आपको कोई भी हुक नहीं मिली थी जिस पर आप भारी भरकम सामान वगैरह टांग सके, लेकिन अब होंडा एक्टिवा 5G में आपको सामान टांगने के लिए हुक भी मिलने वाली है सामने की तरफ। तो दोस्तों, अगर हम की बात करते हैं, जी हाँ दोस्तों, 4-in-1 key की बात करते हैं तो होंडा एक्टिवा 4G में आपको कोई भी 4-in-1 key नहीं मिली थी, लेकिन अब होंडा एक्टिवा 5G में आपको 4-in-1 key मिलने वाली है। मतलब दोस्तों, जब भी आप होंडा एक्टिवा 4G को लेकर पेट्रोल भराने जाते थे तो जब भी आप अपनी सीट को अनलॉक करते तो आपको पीछे की तरफ से अनलॉक करना पड़ता था, लेकिन होंडा एक्टिवा 5G में ऐसा कुछ नहीं है। अब आप अपनी सीट को आगे की तरफ से ही अनलॉक कर सकते हो, यानी उसका जो फ्यूचर है वो आपको आगे की तरफ दे दिया गया है। दोस्तों, जो सबसे बड़ा फ्यूचर निकल के आया वो लेके आया है LED हेडलैम्प को लेकर। जी हाँ दोस्तों, होंडा एक्टिवा 4G में आपको कोई भी LED हेडलैम्प नहीं देखने को मिला था, लेकिन अब होंडा एक्टिवा 5G में आपको LED हेडलैम्प भी देखने को मिलेगा फ्रंट की तरफ। दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा फ्यूचर निकल के आया होंडा एक्टिवा 5G में, तो ये सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम होंडा एक्टिवा 4G की प्राइस की बात करते हैं तो उसकी जो प्राइस निकल के आती है वो कम से कम 52,000 के करीब। अगर हम वही होंडा एक्टिवा 5G की बात करते हैं तो इसकी जो प्राइस निकल के आई है वो 58,000 के करीब हो सकती है। दोस्तों, होंडा एक्टिवा 5G की जो प्राइस है वो बिल्कुल अभी कन्फर्म नहीं की गई है, जो मैं अपने अनुमान से आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप होंडा का कोई भी स्कूटर खरीदना चाहते हो तो मैं आपको कहता हूँ कि आप होंडा एक्टिवा 5G को ही खरीदिएगा। तो दोस्तों, ये जो होंडा एक्टिवा 5G है वो जल्दी ही भारत में लॉन्च कर दी जाएगी, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यही था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए आगे भी लेटेस्ट अपडेट और वीटर की वीडियो से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ।